फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का व्लॉग है एकदम बड़ा वाला व्लॉग, जिसमें हम करने वाले हैं लिविंग रूम का मेकओवर। मतलब इतना बड़ा वाला मेकओवर भी नहीं करने वाले, जिसमें फर्नीचर वगैरह सब कुछ चेंज हो, लेकिन हाँ कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने वाले हैं, जिससे वी थिंक कि लिविंग रूम का एकदम लुक चेंज ही हो जाएगा। मतलब एकदम डिफरेंट ही लगेगा लिविंग रूम, एंड वी होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द हार्ट ऑफ अवर लिविंग रूम, मतलब सोफास। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बिफोर वाला लुक दिखा देती हूँ। ये सारी वो थिंग्स हैं जिन्हें हम डेकोरेशन में यूज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है वाइट कोजी ब्लैंकेट, सच अ ब्यूटीफुल कलर एंड सच अ ब्यूटीफुल फ्लोरल पैटर्न। और ये दोनों ब्लैंकेट्स को हम कहाँ पर यूज करने वाला है पता है आपको? काफी इंटरेस्टिंग वे से यूज करने वाला है। एक्चुअली ये और ये ब्लैंकेट्स को हम रखने वाला है दोनों सोफास पर, एज ए सोफा थ्रो, विंटर टच आ जाएगा, है ना। और ये सारा है बाकी के पिलोस, कुछ आएंगे सेंटर टेबल पर एंड कुछ आएंगे सोफास पर। उसमें से ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये फरी फरी पिलो है, एंड ये कुछ ऐसे मल्टी कलर वाले भी पिलोज हैं, साथ में कुछ सॉफ्ट टॉयज भी है। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए कौन सा ब्लैंकेट कौन सा सोफा पर अच्छा लगेगा, एंड उसके साथ पिलो कौन सा अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं और मामा वही डिसाइड कर रहे हैं अभी, क्योंकि टोटल 5 to 6 पिलोज है, तो ब्लैंकेट अरेंज करने के बाद कौन सा पिलो जाएगा वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन वैसे मजा बहुत आ रहा है मेकओवर करने में। वैसे पहले हम सोच रहे थे कि दोनों सोफास पर दो दो पिलोज रखता है, बट फिर हमने सोचा कि सीजन आ रही है विंटर की, तो थोड़ा सा सीजन अकॉर्डिंग मेकओवर करता है। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा? So now finally it is done and now its center table's done। तो ये तीन पिलोज बचे हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि कुछ इस तरह से अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर पिछले दो पिलोज का व्यू कट हो जाएगा अगर आगे हम पिंक पिलो रखेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं था, काफी क्यूट लग रहा है ये। फिर आगे ये वाले टेडी को। अरे अरे दीदी रुको, ये तो कितने दिनों से यहाँ पर ही बैठी है, मुझे तो अरेंज करो, मैं भी नया आया हूँ। तो ये येलो टेडी की जगह उसको बिठा दिया, एंड येलो टेडी की जगह अभी कहीं फिक्स नहीं थी तो मैंने उसको जस्ट यहाँ पे रख दिया। फिर फ्लावर पॉट रख के सोचा कि अगर फ्लावर पॉट भी उसके बाजू में रखेंगे तो कैसा लगेगा। वैसे मम्मा ने कहा अच्छा तो लगेगा, बट उसकी प्लेस कहीं पर और करता है। तो फ्लावर पॉट को फिर मैंने यहाँ पे रखा सेंटर टेबल पर, और फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि राइट साइड रखना चाहिए या फिर लेफ्ट साइड ज्यादा अच्छा लगेगा। देन रख दी ये स्मॉल लाइट को। अरे हाँ, एक आइडिया है येलो टेडी की प्लेस का। तो उसकी प्लेस हम रख सकते हैं इस वाले छोटे से टेबल के ऊपर, और इसकी जगह हमने एक डॉगी को बिठाया ना, उसने मुझे कहा कि मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा, इसलिए मैं DIY रूम में गई और ये दोनों चीजें लेके आई। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे? पहले हमने सोचा था कि यहाँ पर कुछ शोपीसेस रखेंगे, लाइक एक दो शोपीसेस एंड साथ में बॉन्साई प्लांट या फिर एमेथिस्ट ट्री रखेंगे, लेकिन देन आई गॉट सम डिफरेंट आइडिया, एंड वो आइडिया है ये। एक्चुअली मैं यहाँ से कुछ अपने खुद के बनाए हुए DIYs, मतलब कि पेंटिंग्स रखूंगी। सो मैंने ये सारा पेंटिंग्स ले लिए हैं, एंड मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से लिए हैं। सो ये है वो सारे ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, मतलब कि पेंटिंग्स एंड मंडला आर्ट जो मैं लेके आई हूँ, एंड मैंने सोचा मंडला आर्ट भी एक लेके जाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। सो नाउ लेट्स अरेंज देम। तो ये पेंटिंग्स मैं इस तरह से लेके आई हूँ कि मैं इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकूँ, मतलब साइज वाइज कुछ इस तरह से। और इन सब में हर एक साइज में से जो मुझे पेंटिंग सबसे ज्यादा अच्छा लगे ना, वो मैं यहाँ पर नीचे रखने के लिए लेके आई। सो यहाँ पे मैंने जो खुद बनाया है वो पेंटिंग रखने का आइडिया कैसे लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये छोटे से टेबल का भी थोड़ा सा मेकओवर करने के लिए, ये पहले वाला वॉलपेपर है एंड ये अभी वाला है। तो अभी वाला हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि पहले वाला थोड़ा सा डस्ट भी लग रहा था एंड काफी पुराना भी हो गया था क्योंकि काफी टाइम पहले लगाया था। एंड ये वॉलपेपर है तो इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा होती है जनरल स्टिकर्स वगैरह से, तो लगाने में भी काफी कम्फर्टेबल रहता है। एक्चुअली दोनों का डिजाइन सिमिलर है, पहले वाला का भी एंड अभी वाले का भी, लेकिन पहले वाले में बेस कलर पिंक था और अभी वाले में व्हाइट है। और साइड साइड से ना मैंने इस तरह से वॉलपेपर को फोल्ड किया क्योंकि काफी कंप्लीट फिनिश्ड लुक आए। फरी फरी मैट भी रख दी एंड साइड वाले प्लांट्स को चेंज भी कर लिया। एक्चुअली पहले वाले से ना ये वाले थोड़े से बड़े हैं, लेकिन काफी मस्त लग रहे हैं। अब ये वाला तो आपको याद है ना, एक्चुअली ये मैंने DIY नहीं किया है, हमने परचेज किया था कुछ दिनों पहले, तो वो हम सोच रहे थे कहाँ पर रखे, एंड कोइंसिडेंसली यहाँ पर हुक है ही, तो हमने सोचा इसे यहाँ पर ही रख देते हैं। ये वाला पेंटिंग का व्यू काफी मस्त है ना।
सो फाइनली एक एक करके सारे थिंग्स का मैगोर हो गया है. नाउ लेट्स हैव अ क्विक टूर. ये रिंग लाइट ना पहले रूम में थी, फिर अब यहाँ पे ट्रांसफर कर दी. ये है सोफा थ्रो जिसके ऊपर हमने रखा है पिल्लो. हेलो अमेजियंस, मेरी जगह कैसी लग रही है? हेलो अमेजियंस, अब मुझे बहुत मजा आ गया क्योंकि मेरी प्लेस यहाँ पे फिक्स हो गई और मेरी भी फिक्स हो गई प्लेस. मैं यहाँ पे बैठ गई. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should stop. ये वाला टेबल को ना बीन बैग के आगे हमने रख दिया. एंड ये है फुल मेकओवर लिविंग रूम वाला व्यू. और हमें ना काफी टाइम से डाइनिंग की भी प्लेसमेंट्स चेंज करनी थी, तो हमने सोचा आज क्यों ना वो भी किया जाए. सो ये वाले प्लेसमेंट्स मम्मा ने ले ली एंड पूरा डाइनिंग हो गया खाली. फिर मैंने क्लीन कर लिया एंड ये है न्यू वाली प्लेसमेंट्स. इसके कंपैरिजन में जो पहले वाली प्लेसमेंट थी उसका थोड़ा सा डल कलर था, है ना. एंड एज यूजुअल पहले में भी आए थे एंड इसमें भी कोस्टर्स आए हैं, तो मैंने वो भी रख दिए. एंड जो ग्लास के ऊपर हम लिड रखते हैं ना वो भी रख दी. वो पहले डाइनिंग पे नहीं था लेकिन सोचा अब वो डाइनिंग पर रखते हैं. सो दिस इज द फाइनल व्यू. प्लेसमेंट के नीचे जो डाइनिंग टेबल वाली मैट होती है उसको हमने चेंज नहीं किया क्योंकि वो तो काफी मस्त है. एक्चुअली हम मेकओवर कर ही रहे हैं लिविंग रूम का, तो सोचा यहाँ का भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. चेंज नहीं मतलब कुछ ऐड कर लेते हैं. सो ये है फ्रूट बास्केट एंड ये है एक डेकोरेशन वाले बैग. वैसे तो इसका शेप है लाइक एन एप्पल बट इसमें नहीं है कोई भी एप्पल. कितनी सारी स्मूदीज है इसमें, चेरी स्मूदी, रेनबो स्मूदी, बेरी स्मूदी एंड ग्रीन स्मूदी. इन सब में से आपने कौन सी ट्राई की है? वैसे तो ये हमारा पुराना ऑर्गेनाइजर ही है, लाइक ये दोनों पुराने हैं, लेकिन न्यू व्यूअर्स के लिए मैं बता देती हूँ ये दोनों ब्यूटी बास्केट्स हैं, मतलब हेयर केयर एंड स्किन केयर दोनों के लिए यहाँ पर सारे थिंग्स हैं. जैसे कि डिफरेंट हेयर ऑयल्स रहते हैं वो हमारा DIY बनाते हैं, देन सारी ऐसी होममेड थिंग्स जो हम यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे कि बेसन हो गया, देन आलमंड पाउडर वगैरह वगैरह बहुत कुछ, स्पाइसेस ऑर्गेनाइजर, वाटर बैग एंड मिक्सचर. और यहाँ पे है ये 3 कोस्टर्स. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can. So now everything is done. And हाँ, room makeover वाला video तो आपने देखा ही होगा, लेकिन उसमें और दो updates है. चलिए दिखाती हूँ. सबसे पहले तो ये जो furry mat है ना, वो मैंने यहाँ पे रखी थी, but vanity को open close करने में comfortable नहीं लग रही थी, तो सोचा यहाँ पे रख दूँ. ये तो आपने देखा ही होगा, but ये वाला जो purse है ना, वो भी मैंने इसमें हैंग कर दिया साथ में. मैचिंग लग रहा था ना, तो काफी क्यूट लग रहा था. नाउ द सेकंड अपडेट इज दिस हैंगर. एक्चुअली ये वाला जो हैंगर है ना, वो फिर मुझे आइडिया आया कि इस तरह से बेल्ट ऑर्गेनाइजर में भी यूज कर सकता है, तो मैंने इसमें सारे बेल्ट ऑर्गेनाइज कर दिए हैं एंड अब बन गया है ये बेल्ट ऑर्गेनाइजर. तो कैसा लगा आपको ये पूरे लिविंग रूम का मेकओवर? एंड स्पेशली ये जो मेरा आइडिया था कि यहाँ पर DIY हम रखते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट लुक लग रहा है ना अब तो पहले से. एंड साथ में कौन से चेंजेस आपको सबसे बेस्ट लगे वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा. मिलते हैं हम कल दोपहर 1 बजे. बाय बाय.